2016 सुबह के 5:30 उरी कैंप इंडिया। निशान चतुर्वेदी। सेना पर आतंकवादियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। जम्मू कश्मीर ज्योरी में सेना की 12वीं यूनिट के बेस पर हुए आत्मघाती हमले में सेना के 17 जवान शहीद हो गए। सेना ने चारों आतंकियों को भी मार गिराया। बारामूला के उरी में यह आत्मघाती हमला सुबह करीब 5:15 हुआ। हमले के बाद देश के सभी एयरपोर्ट हाई अलर्ट कर दिए गए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की है। रक्षा मंत्री मनोहर यह देश
इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है, पूरे विश्व की मानव जात को मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। और आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है न हिंदुस्तान झुकेगा, आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, जितने भी हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, वो इस लड़ाई को जीतते चले गए हैं। इसका कारण सिर्फ शस्त्र नहीं होते हैं, जवानों के लिए शस्त्र तो एक खिलौना होता है, लेकिन जवानों की शक्ति देश का मनोबल होता है। आज हिंदुस्तान का मनोबल सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद हौसला है, और देश के लिए, देश के जवानों के लिए, भारत के 125 करोड़ देशवासियों का यह मनोबल, यही हमारी ताकत है और यही हमारे सैन्य का सामर्थ्य है। 21 सौ हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उनका प्लान रात के समय जब सारे सैनिक सोए हुए होंगे उसके बाद साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब जो भी हो सोना बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। 29 सितंबर 2016 रात का समय, पाक बॉर्डर, LOC।
इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक करके भारतीय सेना ने उरी में हुए आतंकी हमले का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। जोरदार तालियां।